उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक तुम्हें तुम्हारा लक्ष्य प्राप्त न हो जाए, स्वामी विवेकानंद ने कहा था। उठो, जागो, रियाज करो, ये मेरे पिता गुरु पंडित अवध किशोर पांडे जी का कहना है। रियाज ब्रह्म मुहूर्त में करना चाहिए, ऐसा सब लोग कहते हैं, सभी गुणीजन कहते हैं। मगर आप लोगों का एक सवाल है, आप लोगों की एक समस्या है जिस पर आज हम चर्चा करेंगे। वो ये है कि जब सवेरे रियाज करते हैं तो बड़ा आलस आता है, बहुत नींद आती है। तो ऐसा क्या करें जो नींद ना आए और आलस ना आए और हम ढंग से रियाज कर सकें और सवेरे का जो रियाज है उसमें मन लगा सकें। तो पूरा वीडियो देखिए और जानिए कि क्या कर सकते हैं जिससे कि सवेरे हमारी नींद उड़ जाए और आलस ना आए और नींद ना आए, ठीक है, और रियाज प्रॉपर हो। पूरा वीडियो देखिएगा। घर बैठे निशुल्क संगीत सीखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। रियाज ऐप, एक बेहतरीन मोबाइल एप्लीकेशन जिससे घर बैठे आप हिंदुस्तानी, कर्नाटक और बॉलीवुड संगीत सीख सकते हैं। तो कूपन कोड और लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, जिससे कि आपको बेनिफिट ये होगा कि SPW के कूपन कोड से 10% आपको डिस्काउंट मिलता है। तो इसमें हर प्रकार का संगीत आपको देखने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा। तो डाउनलोड कीजिए ये एप्लीकेशन और घर बैठे सीखिए संगीत रियाज ऐप से। फिर उससे मिले जिसके खातिर बदनाम हुए, बदनाम हुए। फिर उससे मिले जिसके खातिर बदनाम हुए, बदनाम हुए। नमस्कार, मैं हूं मास्टर निषाद और आप सभी देख रहे हैं संगीत प्रभा वर्ल्ड का यूट्यूब चैनल। आज जो टॉपिक है आपने स्टार्टिंग में देख ही लिया और थंबनेल और टाइटल से भी मालूम चली गया होगा कि सवेरे जब हम रियाज करते हैं उसमें हम जो नींद आती है, जो आलस आता है, उसे दूर करने का क्या तरीका है। तो ऐसा तो देखो बेसिक मेरे पास कोई फंडा है नहीं, है ना। मैंने भी पिताजी से जो चीज़ें जानी हैं वही आज आपके साथ मैं शेयर करूँगा। क्या होता है कि हम जाहिर बात है, बहुत कॉमन सेंस की बात है, अगर रात में लेट सोए हैं और सवेरे हम जल्दी उठ गए तो नींद पूरी नहीं होती है, थोड़ा आलस सा आता है। तो ऐसा क्या कर सकते हैं? तो कुछ व्यायाम हैं जो पिता गुरु ने मुझे बताए हैं और मैंने कुछ वीडियोस में जिक्र भी किया है उनका। देखिए, सबसे पहले तो क्या होता है, जब हम बिस्तर पे होते हैं तो सवेरे का टाइम ही ऐसा है कि नींद बड़ी अच्छी आती है हमें, है ना। जो एकदम ब्रह्म मुहूर्त का अगर हम बोलें, 4 से 5, और ये जो टाइम है 4, 5, 3, 3:30, 4 का, इस समय जो मीठी नींद आती है उसको त्यागना मतलब लगभग हमारे लिए नामुमकिन होता है कि हम वहाँ से उठ सकें। लेकिन उसका क्या इलाज है, जैसे ही आपकी नींद खुल जाए एक बार तुरंत आप बिस्तर से नीचे उतर जाइए। यही एक तरीका है जिससे कि आपकी नींद खुलेगी। ऐसा नहीं कि आँख खोलें और लेटे हुए हैं या सोच रहे हैं अब उठना है, क्योंकि ये करोगे तो मुमकिन ही नहीं है कि आप उस बिस्तर से उठ सकते हो, क्योंकि फिर आपको नींद आनी ही आनी है, बिस्तर छोड़ ही नहीं पाओगे आप। दूसरी चीज़, रात में जब आप सो रहे हो तो एक होता है चलिए हम अलार्म से उठ गए, पर एक होता है हमें दृढ़ संकल्प लेना होता है रात में। रात में लेटते समय सोचिए ऐसा कि मैं सवेरे 4 बजे उठूंगा, और ये बोलते बोलते, रिसाइट करते करते, इसको बोलते बोलते दोहराते दोहराते सोइए, ऑटोमेटिकली सबकॉन्शियस माइंड में वही चलेगा और मेरी गारंटी है 4 बजे आपकी नींद खुल जाएगी। सवेरे उठने के लिए एक और तरीका ये होता है, रात में अपने तकिए को बोल के सोइए। ऐसा भी हमारे कुछ गुणीजन हमें कहते हैं, गुरुजन हमें ये बताते हैं कि अपने तकियों को बोल दीजिए मुझे 4 बजे उठा देना, तो हो जाता है ऐसा। ये साइकोलॉजिकल चीज़ है, मनोवैज्ञानिक चीज़ है कि अपने आप आपकी नींद खुल जाती है। अब ये है कि चलिए उठ तो गए सवेरे, अब उठ तो गए लेकिन नींद पूरी हुई नहीं है, और नींद पूरी भी हो गई तब भी ज़रा आलस आ रहा है। जब आप सा लगा रहे हैं तो सा जितना बड़ा मुँह उतनी बड़ी उबासी जा रही है ना, कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं, तो उनको कैसे दूर किया जाए? देखिए, सबसे पहले उठकर शीतल जल से, ठंडे पानी से, ज़्यादा न गर्म न ज़्यादा ठंडा, अपना मुंह धो लीजिए, जाहिर बात है आंखें धो लीजिए, और एक राउंड आप बाहर लगा लीजिए, ठंडी हवा ले लीजिए। ऐसा बोला जा रहा है कि कहा जाता है कि ठंडी हवा नहीं लेनी चाहिए रियाज और ये सब उसमें असर आता है, पर मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ठंडी हवा में बैठ के रियाज करना है। एक बार बाहर घूम लीजिए एक राउंड, तो देखिए अपने आप तरोताज़ा आप हो जाएंगे, है ना। और गर्म पानी आप पी सकते हैं, वो तो है ही है, वो तो गले के लिए है, खैर नींद का उससे कोई ताल्लुक नहीं है, है ना। तो एक बार वो कर लिया, हवा में घूम लिया, फिर जब वापस आ गए, बैठ गए एक बार अपने रियाज के स्थान पर, तब अनुलोम विलोम कर लीजिए। अनुलोम विलोम एक ऐसा व्यायाम है जो श्वसन तंत्र को ठीक कर देता है। हमारी सांस जो है, है ना, नींद और आलस और वो सांस का उससे रिलेशन है, हमको ऑक्सीजन नहीं मिल रही है। तो देखिए, पानी पी लेते हैं तो एक नींद चली जाती है, क्योंकि एक जो होता है ऑक्सीजन हमें उससे मिल जाती है। हवा में घूम लिए, ऑक्सीजन मिल गई, अब अनुलोम विलोम एक व्यायाम है जिससे कि हमारी सांस एकदम बैलेंस में आ जाती है और एक बार जो उखड़ी हुई होती है वो ठीक हो जाती है। तो क्या करना है,
मुद्रा बनानी है। ये जो फर्स्ट फिंगर है हमारी, इसको यहाँ दबाया अंगूठे में, और उसके बाद ये मैंने ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज वाले टॉपिक में भी बताया है, ये करके अपना राइट जो नॉस्ट्रल है उसको, यानी ये जो राइट वाला छेद है इसको बंद कीजिए यहाँ से, और लेफ्ट वाले से सांस खींचिए, धीमे धीमे खींचिए, और जब तक पूरी भर ना जाए तब तक खींचिए, उसके बाद रोक लीजिए, है ना। इसको रोकने के बाद फिर ये छोड़ के ये जहाँ से सांस ली थी उसको इन दोनों उंगलियों से कवर कर लिया लेफ्ट वाले को, और फिर क्या किया, राइट वाले से वो सांस छोड़ी जो भरी हुई थी। ये एक प्रोसेस है। कैसे करना है, ये एक प्रोसेस है, लेफ्ट से सांस ली फिर लेफ्ट को बंद करके राइट से छोड़ दिया, उसके बाद क्या किया, अब राइट से सांस ली और फिर राइट को बंद करके लेफ्ट से छोड़ दिया। तो ये एक छोटा सा व्यायाम है, इससे भी जरा सांस बैलेंस में आ जाती है, एकदम बॉडी जो है फ्रेशन अप हो जाती है आपकी, है ना। थोड़ा बाहर घूम लेंगे, थोड़ा हाथ पांव ऐसा स्ट्रेचिंग कर लेंगे, तो अपने आप ही शरीर आपका जो है वो आलस त्याग देगा, है ना। तो ये कुछ कुछ चीजें हैं। रियाज के बीच में पानी मत पीजिए अपने आलस को भगाने के लिए। आप सोच रहे हो उबासियाँ आ रही हैं तो मैं पानी पी लूँ, क्योंकि पानी पियेंगे तो गले पर असर आता है, है ना, क्योंकि गला गर्म है, गर्म गले पर आप पानी डाल रहे हैं तो ये समझ लीजिए जैसे गर्म तवे पे आपने, है ना, छींटे मार दिए हो पानी के, जो जो भाप निकलती है, जो है ना जो जलन हो जाती है, वही हालत आपके गले की होगी, क्योंकि मशीन है, तो वो नहीं करना चाहिए नींद भगाने के लिए। लेकिन ये कुछ टिप्स हैं कि एक बार उठते ही बिस्तर से बाहर आ जाइए और एक राउंड आप बाहर मार लीजिए ठंडी हवा में, नॉर्मल हवा में, और अनुलोम विलोम कर लीजिए। एक व्यायाम होता है जैसे ये आपने यहाँ मुट्ठी बंद की, और ये जब आप हाथ ऊपर जा रहे हैं तो सांस भर रहे हैं, और जब हाथ नीचे आ रहे हैं तो छोड़ रहे हैं, और मुट्ठी बंद की, ये एक व्यायाम होता है। तो ये कुछ कुछ व्यायाम है जो आप कर लीजिए एक बार, तो क्या है, नींद उड़ जाती है, फिर आप प्रयास कीजिए, तरोताज़ा रहेंगे, है ना। तो ये छोटा सा वीडियो था इस टॉपिक पर कि नींद कैसे भगाएं, जो आलस है वो कैसे भगाएं, है ना। तो कुछ चीज़ प्रक्रियाएं हैं जो आप कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही देखते रहें संगीत प्रभा वर्ल्ड के चैनल को, एंड कुछ कुछ नए वीडियोज़ मैं लाता रहूँगा हमेशा। धन्यवाद।